मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हम एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लेंगे खोआ बनाने के लिए। अब इसे उबलने देंगे। जब तक दूध को उबालना है तब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। अब हमारा दूध गाढ़ा होकर मावा बन चुका है। अब इसे प्लेट में लेंगे। खोआ हमने प्लेट में ले लिया है और अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाएगा। जब तक हमारा खोआ ठंडा होएगा तब तक हम 1.5 लीटर दूध का पनीर बना लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे ताकि हमारा दूध फट जाएगा और पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा दूध फट चुका है। अब हम इसे एक छन्नी लेंगे, उसमें छान लेंगे और ठंडे पानी से इसको 2 बार वॉश करेंगे ताकि इसका सारा खट्टापन निकल जाएगा। अब हमारा दूध फट चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें दूध को छानेंगे। ये देखिए हमारा पनीर निकल चुका है, अच्छी तरह से छन चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी से 2 बार वॉश करेंगे। हमारा छेना तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक कपड़े में लेके 1/2 घंटे तक टांग देंगे। इस कपड़े में हमने 1/2 घंटे तक कपड़े में छन्ने को टांग के रखा था। अब 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसे खोलेंगे हम। अब हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से मसलेंगे और खोवे के अंदर मिक्स करेंगे। अब हम खोवे में 2 चम्मच मैदा मिलाएंगे। ये पनीर हमने बनाया जो मावे के अंदर हम मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से चिकना डो तैयार करना है। जितना अच्छा चिकना डो तैयार होगा उतने अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। ये हमारा चिकना डो बनकर तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल तैयार कर लेते हैं। अब हमें दोनों हथेलियों के बीच में इसे गोल गोल घुमा के अच्छी तरह से गोल गोल बनाना है ताकि इसमें ये भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स रहेगा तो गुलाब जामुन घी में जाके फट जाएगा। अब हमारी बॉल तैयार है। इसी तरह से हम सारी बॉल बना के तैयार कर लेते हैं, फिर हम घी में फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन बनाने से पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। हम 2 कटोरी चीनी लेंगे और 2 ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। जब तक आपको इस चीनी को जब तक उबालना है तब तक अच्छी तरह से ये पानी में घुल ना जाए। इसमें हम इलायची ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएंगे और घुल के भी अच्छी तरह से फ्लेवर आएंगे। अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। हमने यहाँ पर इतना घी लिया है हमारे गुलाब जामुन इसमें डीप हो जाए, और आपको भी इतना ही लेना है। अब घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें घी मीडियम ही रखना है। आप इसे तेल में बना सकते हो, घी भी ले सकते हो। देखिए धीरे धीरे बन के ऊपर अपने आप ऊपर आ जाएंगे फूल के। देखिए हमारे गुलाब जामुन लाल हो रहे हैं। आपको गुलाब जामुन को नहीं छूना है, घी को ही हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल के बाहर आ जाएंगे और अच्छी तरह से बन जाएंगे। अब हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेड रेड गोल्डन कलर के लग रहे हैं। अब इसे हम छन्नी में लेंगे। ये गुलाब जामुन हम चाशनी में डालेंगे। हमने पहले से ही काले वाले बना रखे हैं, इसकी रेसिपी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। चलिए इसमें डीप करते हैं और आपको इसको 5 मिनट तक चाशनी में ही रखना है। अब हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, अब इसे सर्व करेंगे। अब हमारे गुलाब जामुन की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रेसिपी कैसी लगी है।